बिहार के वाल्मीकि नगर से है, जहां सरकार वाल्मीकि नगर में चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगी। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म को एग्रो टूरिज्म से जोड़ने की तैयारी है। वाल्मीकि नगर को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म को अब एग्रो टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने टीम के साथ वाल्मीकि नगर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर पर्यटन की नई संभावनाओं को तलाशा। प्रकृति ने वाल्मीकि नगर को अपने हाथों से सजाया है। वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म को अब एग्रो टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा। एग्रो टूरिज्म के तहत ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। यहाँ पर गौपालन की भी शुरुआत होगी। शुरुआत के साथ ही आने वाले पर्यटक ऑर्गेनिक खेती के अलावा गौपालन भी वाल्मीकि नगर में देख सकेंगे। इसकी शुरुआत के साथ ही वाल्मीकि नगर में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर पर्यटकों के लिए क्या क्या सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं, जो उन्हें यहाँ आने के लिए आकर्षित करें, इसके लिए प्रशासन अपनी ओर से रोड मैप तैयार कर चुका है। अब जरूरत है तो इसे अमली जामा पहनाने की। तो बताया हूँ कि प्रकृति के द्वारा इस वाल्मीकि नगर पूरा जो एरिया है उसमें इमेंस पोटेंशियल दी गई है। असीम संभावनाएं हैं टूरिज्म की, इको टूरिज्म की और कल्चरल टूरिज्म की, एग्रो टूरिज्म की। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे कि हम लोग ये ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे देख रहे थे। जो बाहर दूर के शहरों में रह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत जो है आजकल एग्रो टूरिज्म में लोग जाते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है खेती की जा रही है, कैसे गाय पाले जा रहे हैं, दूध कैसे आ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आजकल के इको टूरिज्म और एग्री टूरिज्म का पार्ट है। अपने यहाँ फॉरेस्ट भी है, बगल में गंडक नदी भी, हमारे पास तालाब भी है, तो हर कुछ है। इन सभी को जो है कैसे एक्सप्लोर किया जा सके, आपने देखा होगा कि हम लोग भी पूरी टीम आ जाए, हमारे पर्यटन के प्रभारी हैं, सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग जो है जंगल के अंदर भी जाके और आउटस्कर्ट्स में भी बाहर क्या क्या पोटेंशियल है वो भी देख रहे हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बताया था कि जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं टूरिज्म के, जिसमें रिजॉर्ट के अगर चलाने वाले हैं, होटल वाले हैं, टूर ऑपरेटर हैं, एडवेंचर टूरिज्म वाले लोग हैं, उसके बाद फॉरेस्ट के गार्ड हैं, तरह तरह के जितने स्टेक होल्डर, जंगल सफारी कराने वाले लोग हैं, उन सभी को क्या है कि अभी सब अलग अलग है, बिखरे हुए है ना। तो सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे ला के जो बताया एक चार्मिंग चंपारण करके इनिशिएटिव हम लोग शुरू करके एक प्लेटफॉर्म पे ला के, और हम लोग जो बिहार सरकार की ये मंशा है कि इस पूरे एरिया को जो है टूरिज्म का वाइब्रेंट लोकेशन बनाया जाए, उसके लिए पूरा काम किया जा रहा है और उसी में नए नए इंगेजमेंट पॉइंट्स हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो जितने जगह आप बताएंगे उतने जगह जाते हैं। जैसे आप जाएंगे कहीं पे तो रहता है सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे कैसे, यहाँ तो ढेर सारे हैं इंगेजमेंट पॉइंट, तो हम लोग वो देख रहे हैं और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे हम लोग इंगेजमेंट पॉइंट को बढ़ाएं। चितवन में भी, नेपाल साइड में भी जो जितने टूर ऑपरेटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं। इनफैक्ट उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो तो यहाँ के ही अपने पश्चिम चंपारण जिले के हैं, जो लोग काफ़ी खुश हैं और वो लोग भी जो है अपने टूरिस्ट को लेके इधर आना चाहते हैं। तो ये पूरा एक वातावरण, एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग और संख्या में जो है देखेंगे कि टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं और भी फैसिलिटीज क्रिएट। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।